और टेंट हाउस के मालिक रंजीत गोफ द्वारा आप देख रहे हैं सुंदर ढंग से सजा व्यवस्थित ढंग से। आगे की हालचाल हमारे छोटे भाई प्रकाश और कैप्टन 7 नंबर के पास गेंद, लेकिन उसे गेंद छीनी गई सिंहभूम फेर के पांडा 11 के खिलाड़ी के 12 नंबर के पास गेंद, ये को ठीक किया था लेकिन गेंद तक रही बती पांडा 11 के खिलाड़ियों के पास गेंद, धीरे धीरे गेंद को लेते हुए अपने खिलाड़ी को देख रहे हैं और पास कर दी है लेकिन बिल्कुल खाली स्थान पर गेंद को किक कर दिया है और ठीक महिला पेवलियन के पास गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रोइन करने के लिए वहां प्रीति पात्रो गेंद को छोड़ा अपने साथी 14 नंबर के लिए किक कर दिया है, थ्रो कर दिया है सिंहभूम फेर के खिलाड़ी बैक पास बीजू पात्रा मुख्य डिफेंडर के लिए, मुख्य डिफेंडर अपने लेफ्ट डिफेंडर के लिए गेंद को निकाला है, लेफ्ट डिफेंडर अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाला है, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का यहां पर हेयर स्टाइल देखने को मिल रहा है। 8 नंबर के पास गेंद, 8 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद, 8 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी 14 नंबर के लिए गेंद को निकाला है, 14 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद सिंहभूम फेर के दूर से ही लॉब कर दिया है, वहां पर गोलकीपर बहुत ही पूर्वानुमान के साथ गेंद को गैदर कर लिया और थ्रो कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए पांडा 11 के राइट डिफेंडर के पास गेंद, राइट डिफेंडर खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड 9 नंबर के लिए गेंद को बढ़ाया, 9 नंबर थोड़ा आगे बढ़ गए थे उनसे गेंद रुकी नहीं और एक बार फिर 14 नंबर के पास गेंद सिंहभूम फेर के 14 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी सुभाष के लिए, सुभाष बैक पास कर दिया 14 नंबर के लिए, 14 नंबर अपने मिडफील्डर 8 नंबर के लिए, 8 नंबर ने लेफ्ट विंगर के लिए जुगल की सपूर्ति वहां पर मौजूद, एक बार फिर सुभाष के पास गेंद, सुभाष एक खिलाड़ी को ट्रिपलिंग किया है, देख रहे साथी खिलाड़ी को जमीनी पास देने का प्रयास, गलत पास पंडा 11 के खिलाड़ी चकमा देते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिए 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के खिलाड़ी राइट विंगर के लिए बढ़ा है, राइट विंगर खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ लेके गेंद को आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर, थ्रो इन करेंगे पंडा 11 के खिलाड़ी, बैक थ्रो कर दिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए पंडा 11 के और धीरे से पास कर दिया है वहाँ के मौजूद वहाँ डिफेंडर सिंहभूम फेर के पंडा 11 के 12 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद दूर से किक किया लेकिन काफी ऊंचाई को छूती हुई गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई, किक कर दिया है लेफ्ट डिफेंडर के सिंहभूम फेर के खिलाड़ी 11 नंबर युगल किशोर पोती के पास गेंद, युगल किशोर काफी अनुभवी खिलाड़ी बहुत ही पुराना खिलाड़ी और उसी प्रकार सुभाष के लिए गेंद बनाया था, सुभाष ने गेंद को गलत पास दे बैठा हुआ पंडा 11 के कब्जे में गेंद, एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग लेकिन वहां गलत तरीके से टैकल कर दिया गया है सिंहभूम फेर के लेफ्ट डिफेंडर के द्वारा, फाउल करार दिया गया रेफरी महोदय समझाते हुए और डिफेंडर ने अफसोस जताया, माफी मांगी अपने खिलाड़ी के विरुद्ध खेल भावना को दिखाते हुए सॉरी कहा अपने पीपल्स टीम के खिलाड़ी को पंडा 11 के खिलाड़ी की करने के लिए जुगल किशोर शेर की तरह वहां गेंद पर नजर रखे हुए हैं और पंडा 11 खिलाड़ी दूर से किक कर दिया है लेफ्ट विंगर के लिए हैंडल द्वारा गेंद को लाने का प्रयास लेकिन गेंद छिटकी और ठीक गैलरी के ऊपर चली गई गेंद गोल लाइन से बाहर, काफी रोमांचक मुकाबला डिफेंडर के पास गेंद, लेफ्ट डिफेंडर के पास सिंहभूम फेर के मेन डिफेंडर बीजू पात्रो के लिए गेंद को बढ़ाया, बीजू पात्रो राइट डिफेंडर 14 नंबर के लिए गेंद बढ़ाया, 14 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी जुगल के लिए जुगल बैक पास कर दिया है, तालमेल बढ़िया देखने को मिल रहा है, सुभाष के पास गेंद, सुभाष 10 नंबर के खिलाड़ी धीरे से सरका दिया 8 नंबर राइट साइड में सुभाष के पास गेंद गेंद छीनने का प्रयास सफल हुए और पंडा 11 के खिलाड़ी काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए 3 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट राइट डिफेंडर के लिए गेंद को बढ़ाया, रेड डिफेंडर खिलाड़ी वहां पर देखना है क्या करते हैं लेकिन 2 खिलाड़ी जूझे और लेफ्ट डिफेंडर सिंहभूम फेर के गेंद को छीनने में सफल अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक और फिर 11 नंबर जुगल के पास गेंद, जुगल से गेंद छीनी गई पांडा 11 के राइट विंगर के पास गेंद बिल्कुल अकेले दाहिनी ओर से आक्रमण बनाने का प्रयास, दाहिने पर से सरका दिया जमीनी पास और यह मौका हो सकता था लेकिन गेंद चली गई सिंहभूम फेर के राइट डिफेंडर के पास अपने साथी सुभाष बेगम के लिए गेंद को बढ़ाया, सुभाष बेगम के पास गेंद पहुंची नहीं पंडा 11 के 12 नंबर के पास गेंद, 12 नंबर खिलाड़ी अपने साथी के लिए गेंद को बढ़ाना चाहते थे वहां 14 नंबर के पास गेंद, 14 नंबर के खिलाड़ी सिंहभूम फेर के धीरे से पास कर दिया है अपने साथी जुगल के लिए, जुगल बाई ओर से आक्रमण बनाने के प्रयास 7 नंबर के लिए कैप्टन 7 नंबर से गेंद छीनी और गेंद गोल लाइन से बाहर, कॉर्नर का संकेत हाफ गोल, इसको पूर्ण गोल में कैसे परिवर्तन करेंगे ये तो समय बताएगा,
क्षमता बताएगी। सिंहभूम शेर के पास एक अवसर है। और ये सुंदर एरिया के पास पास बहुत सुंदर मौका बन सकता था, लेकिन बहुत आसान तरीके से अपने कब्जे में लेते हुए गोलकीपर अपने साथी खिलाड़ी की तलाश, और ये लंबा किक सेंटर के आसपास, और ये रात्रि जी हेडिंग पर बॉल को क्लियर करते हुए वर्तमान राइट ओनर्स की ओर से अभी क्षमा चाहेंगे पुनः एक बार, और इस तरह से सीमा रेखा से बाहर होते हुए थ्रो इनका मौका पंडा लगने को, छह नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को थ्रो इन करते हुए, और इस तरह से मैदान बंशोर से मूवमेंट धीरे धीरे सरकाते हुए बोल, और वर्तमान कब्जे में जुगल जुगल अपने साथी खिलाड़ी को देखते हुए साथी खिलाड़ी सात नंबर के खिलाड़ी थे, कप्तान महोदय सात नंबर के, उन्होंने धीरे धीरे सरकाते हुए बोल को मूवमेंट बनाने के प्रयास, और बीच में लेते हुए बहुत सुंदर पास दस नंबर के सुभाष, बहुत तेजी से जाते हुए बोल, अच्छा मूवमेंट, और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे बोल छीनने का प्रयास अभी भी कब्जे में, और इस तरह से सुंदर बचाव पंडा इलेवन की ओर से, आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहे सिंहभूम शेर के खिलाड़ी, लेकिन किसी भी आक्रमण को नाकाम करते हुए पांडा इलेवन के गोलकीपर काफी मुस्तैद, पांडा इलेवन की जो टीम है पांडा होटल के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी नामी होटल है पांडा होटल, उसी की टीम है यहाँ पर मौजूद। एक बार फिर सुभाष के पास गए, धीरे से पास कर दिया, बिल्कुल अकेले हुए आठ नंबर के खिलाड़ी सिंहभूम शेर के, नौ नंबर के खिलाड़ी सुभाष के, लेकिन सुभाष ने एक बार कैप्टन को बढ़ाया, कैप्टन राइट टू करके बढ़ा दे बाहर पर किक, लेकिन गेंद को रिफ्लेक्ट करते हुए गेंद बार बार आक्रमण करता हुआ बहुत सुंदर तरीके से सिंहभूम शेर के द्वारा, अच्छी सूझबूझ, अच्छी रणनीति, अच्छी तालमेल और अच्छा आक्रमण, और इसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग की बार बार कोशिश करते रहिए, कोशिशें हमेशा कामयाब होती है। पुनः एक बार सिंहभूम शेर के कब्जे में बोल, और साथी खिलाड़ी को देने में असफल, पंडा इलेवन के कब्जे में बोल, मैदान के दाहिने छोर से पंडा इलेवन पुनः बार आक्रमण बनाते हुए बड़ी तेजी से बोल को अग्रसर करते हुए रुके बोल अपने साथी खिलाड़ी के तलाश में, और उनको ड्रिबलिंग चकमा देने की प्रयास, और उनसे चकमा को विफल करते हुए सिंहभूम शेर के खिलाड़ी, और ये थ्रो इनका मौका पंडा इलेवन आठ नंबर के छोटे कद के खिलाड़ी मैदान के दाहिने छोर से मूवमेंट बनाते हुए बैक पास, और पुनः एक बार सिंहभूम शेर के कब्जे में, शेर के कब्जे से शिकार छीनना थोड़ा आसान नहीं होता है। चौदह नंबर के पास गेंद, आज के सिंहभूम शेर के खिलाड़ी अपने अनुभवी खिलाड़ी काफी पुराने खिलाड़ी जुगल के लेकिन को बनाए, जुगल एक पूर्वानुमान के साथ अपना अनुभव का परिचय देते पास किया था, लेकिन ये गेंद को किक कर दिया है गोल पोस्ट से, ऊपरी हिस्से से निकल गई गोल लाइन से बाहर, बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन सिंहभूम शेर द्वारा, अनुभवी खिलाड़ियों से भरा हुआ है टीम, और ये फ्री किक, लेकिन इस बार सिंहभूम शेर के डिफेंडर के पास गए, लेग पास करना चाहते थे, गलत कर बैठे वहां पर, पांडा इलेवन के छह नंबर के खिलाड़ी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी अपने कब्जे में लिए हुए गेंद को अधीरे से पास कर दिया अपने साथी 12 नंबर के लिए, 12 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी छोटे कद के खिलाड़ी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को 6 नंबर के लिए बढ़ा दिया, 6 नंबर ने गेंद को आगे बढ़ाया था, लेकिन वहाँ अनुमान लगाने में थोड़ी सी गलती हुई, और इसी के साथ मध्यांतर की स्थिति के खेल के मध्यांतर के खेल के बाद का खेल प्रारंभ, सिंहभूम शेर के 10 नंबर के पास गेंद, बैक पास कर दिया अपने लेफ्ट डिफेंडर के लिए, एक बार फिर सुभाष के पास गेंद, सुभाष अपने मिडफील्डर जुगल सुपर पूर्ति के पास गेंद, और उन्होंने 22 नंबर के लिए गेंद को बढ़ाया, 22 नंबर के खिलाड़ी सिंहभूम शेर के बाएं पैर से किक कर दिया है, और ये मौका हो सकता है, और किक किया, और ये शेर की तरह झपट पड़े गेंद पर,
और ये गोल की बढ़त बना ली है यहाँ पर काफी खूबसूरती के साथ। 22 नंबर ने राइट विंगर के लिए गेंद को बढ़ा, राइट विंगर ने बैक हेडर द्वारा अपने साथी सेंटर फॉरवर्ड को पास किया और सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी गेंद को गोल में तब्दील कर दिए। बिल्कुल शेर की तरह यहां पर खेल का प्रदर्शन करते हुए सिंहभूम शेर के खिलाड़ी और पंडा 11 के खिलाड़ी गोल खाने के बाद खेल को प्रारंभ करते हुए धीरे से सर 6 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी 12 नंबर के गेंद को बढ़ाया, 12 नंबर से गेंद छीनने में सफल। यहां पर देखना यहां क्या कर पाते हैं पिंटू पात्र, हेडर द्वारा काफी जोरदार हेडर लगाने का प्रयास और ये एक बार फिर पंडा 11 के पास गेंद, पंडा 11 के खिलाड़ी मिडफील्डर सेंटर फॉरवर्ड के पास गेंद, सेंटर फॉरवर्ड वहां गेंद को चकमा देने का प्रयास। 9 नंबर के खिलाड़ी देखना क्या करते हैं, काफी खूबसूरती के साथ दोनों पैरों के बीच से गेंद को निकाल के आगे बढ़ गया है लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद और गोलकीपर आगे आकर हाथ को धकेल दिया। बीजू पात्रों गेंद के पास मौजूद, बीजू पात्रों डिफेंडर धीरे से सरका दिया अपने 22 नंबर के लिए जो कि थोड़ी देर पहले काफी अच्छा मूवमेंट बनाया था, जगह नहीं मिला ना, बीजू पात्रों किक कर दिया है सेंटर फॉरवर्ड 9 नंबर के लिए, 9 नंबर बैक पास कर दिया अपने साथी 11 नंबर के लिए, 11 नंबर के खिलाफ 14 नंबर ने, 14 नंबर ने 11 नंबर के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बार फिर गेंद को पकड़ दिया है और वहां पर थोड़ी सी चूक हुई वरना अच्छा मौका हो सकता था सिंहभूम शेर के लिए और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। सिंहभूम शेर के खिलाड़ी को थ्रो इन करने का मौका मिलेगा। थ्रो इन करने के बाद सिंहभूम शेर के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में बैक पास कर दिया है जुगल 11 नंबर के लिए, जुगल किशोर पूर्ति के पास गेंद, काफी पुराने खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी और कैप्टन के लिए गेंद को बढ़ाया था लेकिन उनसे गेंद रिसीव नहीं हुई, गेंद छिनी गई एक बार फिर दूसरे पत्र पास गेंद 22 नंबर के लिए गेंद बिल्कुल उसी स्थान पर जिस स्थान पर पहले एक मूवमेंट बनाया था और ये सुभाष देवल के पास गेंद धीरे से सरका दिया सेंटर फॉरवर्ड के लिए, अच्छा निकाला गेंद लेकिन सही जगह पर पहुंच नहीं पाए सुभाष और गेंद इस वक्त पंडा 11 के द्वारा टच लाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर सिंहभूम शेर के खिलाड़ी थ्रोइंग कर दिया है, वहां पर अच्छा मौका हो सकता है लेकिन पंडा 11 के खिलाड़ी पूछते हैं 12 नंबर के पास गेंद, 12 नंबर लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को बढ़ाना चाहते थे, काफी तेज गति से गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। और इसी बीच एक परिवर्तन किया जा रहा है सिंहभूम शेर के द्वारा, जुगल किशोर पूर्ति की जगह पर 12 नंबर के खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं, 9 नंबर के पास गेंद इस बार और ये तुरंत मैदान में प्रवेश किए हुए खिलाड़ी के पास गेंद, उनसे गेंद आगे बढ़ाई गई और एक बार फिर यहाँ पर 22 नंबर खिलाड़ी के पास गेंद बिल्कुल पवेलियन के आसपास धीरे से पास कर दिया 12 नंबर के लिए, छोटे छोटे पास का इस्तेमाल और 22 नंबर के खिलाड़ी जमीनी पास सेंटर फॉरवर्ड के लिए लेकिन वह डिफेंडर का भी जोर करना पड़ा 11 के, एक बार फिर गलत तरीके से टैकल किया गया कैप्टन सिंहभूम शेर के द्वारा और फाउल करा देते हुए पांडा 11 के 11 नंबर खिलाड़ी बैक पास कर दिया है, एक बार फिर 11 नंबर को देना चाहते थे गलत पास और यहां पर 7 नंबर के खिलाड़ी कैप्टन के लिए गेंद, कैप्टन ने गेंद को 10 नंबर सुभाष के लिए बढ़ाया था, सुभाष चकमा आ गए और गेंद पांडा 11 के डिफेंडर गेंद को क्लियर कर दिया, राइट विंगर 11 नंबर के खिलाड़ी पांडा 11 के गेंद के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, देखना है पहुंच पाते हैं नहीं या वहां पर खेला खेली धक्का मुक्की के चक्कर में फाउल करा दिया गया और 8 नंबर सिंहभूम शेर के 8 नंबर के पास गेंद, 8 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी 12 नंबर के लिए गेंद को बढ़ाया, 12 नंबर के खिलाड़ी देखना है क्या करते हैं और ये 9 नंबर के लिए गेंद, 9 नंबर के खिलाड़ी अपने राइट डिफेंडर के लिए गेंद को बढ़ाया, राइट डिफेंडर सिंहभूम शेर के देख रहे हैं बहुत दिन को चहल कदमी करते हुए धीरे से सरका दिया 7 नंबर कैप्टन के लिए और कैप्टन ने चकमा देते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिया है, वहां पर देखना क्या कर पाते हैं, गोलकीपर को चकमा देने को अच्छा मौका हो सकता था एक बार फिर मौका वहां पर लेकिन गेंद छीनने में प्रयास और खास तरीके से छीनने में प्रयास किया गया रेफरी महोदय के द्वारा, पेनाल्टी फ्री पेनाल्टी किक का यहां पर मौका पंडा 11 के विरुद्ध
और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है 2-0 की बढ़त बनाने के लिए सिंहभूम शेर के पास। डायरेक्ट फ्री पेनल्टी किक दिया जा रहा है। कैप्टन खुद किक करने के लिए गए हुए हैं पंडा 11 के विरुद्ध। सही जगह में गेंद को रखने का निर्देश दिया रेफरी महोदय ने। निर्देश का पालन करते हुए सिंहभूम शेर के कैप्टन गेंद को रख कर किक करने के लिए तैयार। और ये बाएं पैर से किक कर दिया है, बहुत ही टेक्निकल ढंग से तकनीकी तरीके से गेंद को गोल में तब्दील कर दिया है और 2-0 की बढ़त बना ली है सिंहभूम शेर की टीम। ग्रुप बी से फर्स्ट राउंड का खेल खेलते हुए और एक परिवर्तन किया जा रहा है सिंहभूम शेर की ओर से। कैप्टन 7 नंबर के स्थान पर नए स्थानापन्न खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करने वाले हैं। 2-0 की बढ़त बना चुकी है सिंहभूम शेर की टीम और इस खेल के तुरंत बाद फाइटर बॉयज फूट पानी वर्सेस टीचर्स 11 मंझारी। दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार रखेंगे और खेल समाप्ति के तुरंत बाद मैदान में प्रवेश कराएंगे अपने खिलाड़ियों को। सिंहभूम शेर के खिलाड़ी 12 नंबर की गेंद को बढ़ाया, 12 नंबर बैक पास कर दिया लेफ्ट डिफेंडर के लिए। लेफ्ट डिफेंडर एक बार फिर 12 नंबर के लिए ठीक है हमारे पेवेलियन के आसपास से गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास। ये धीरे से पास कर दिया 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के खिलाड़ी दाहिनी ओर सरका दिया है राइट विंगर के लिए। राइट डिफेंडर वहां पर पहुंचने का प्रयास लेकिन गेंद को किक कर दिया है गोल लाइन से बाहर। कॉर्नर किक सिंहभूम शेर के लिए। बॉल बॉयज से ध्यान देंगे, एक गेंद चली गई है हमारे जायरा की ओर, जायरा क्षेत्र में चली गई है, कृपया उस बॉल को उस गेंद को मैदान में उपलब्ध कराया जाए। कॉर्नर किक सिंहभूम शेर के खिलाड़ियों द्वारा और किक कर दिया ये माइनस के एक अच्छा मौका। वहां 12 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, देखना है क्या करते हैं। बैक पास कर दिया है अपने साथी के लिए और ये दूर से किक करना चाहते थे, पीठ से टकराई गेंद रिफ्लेक्ट हुई। एक बार फिर गेंद सिंहभूम शेर के कब्जे में, धीरे से पास कर दिया डिफेंडर वहां मौजूद, गेंद को क्लियर कर दिया है पंडा 11 के खिलाड़ी। गेंद के पीछे जाते हुए बिल्कुल अकेले वहां 2 डिफेंडर मौजूद। सिंहभूम शेर के एक खिलाड़ी को चकमा दिया बाईं ओर साइड रोड बनाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, खिलाड़ी पीछे रह गए, देखना है अभी भी खतरा टला नहीं है सिंहभूम शेर के लिए और ये अच्छा मौका हो सकता है लेकिन गेंद को किक तो किया तो सही दिशा दे नहीं पाया, फिर से टकराती। हेलो, इसी के साथ खेल समाप्ति की घोषणा और अभी जो खेल होगी